Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traiga paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Hello, दोस्तों, मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने फोन में या फिर एंड्रॉयड फोन में कैसे फोल्डर और फाइल्स को हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं कि कोई भी उसे ना देख पाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है, ES फाइल एक्सप्लोर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको ES फाइल एक्सप्लोर, इसे हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इसे इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कौन से फोल्डर को मैं कैसे हम इसे इंक्रिप्ट करते हैं या लॉक करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ऑल फाइल्स में जाऊँगे, मैं अपने फाइल मैनेजर में जा करके ये वाला जो एक फोल्डर दिख रहा है आपको, ये इस फोल्डर को मैं, ये जो फोल्डर दिख रहा है आपको, इसे मैं इंक्रिप्ट करूँगा। तो इसके अंदर आप देख लीजिए ये सारे फाइल्स हैं। तो इन सारी फाइल्स को मैं जो है यहाँ पे इंक्रिप्ट करने जाऊँगा। तो पहले तो इसे वो क्लोज कर देते हैं। तो अब हम ओपन करते हैं ES फाइल एक्सप्लोर। ES फाइल एक्सप्लोर को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले सर्च करेंगे इसमें कि हमारा जो फाइल कहाँ है। ये ऐप जो है ओपन हो रहा है, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, इसे थोड़ा टाइम लगा रहा है। देखिए ये ऐप जो है ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरनल स्टोरेज SD कार्ड का जो है ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो मैंने यह जो फाइल जो था वो SD कार्ड में था, तो मैंने SD कार्ड में ओपन कर दिया है। SD कार्ड को ओपन करने के बाद फिर मैं सर्च करूँगा कि मेरा जो फोल्डर कहाँ है जिसे मुझे इंक्रिप्ट करना है। पहले हम सर्च कर लेंगे कौन सा फोल्डर, तो मुझे ये वाला जो फोल्डर है उसे मुझे इंक्रिप्ट करना था, AFF। तो इस फोल्डर को मैं लॉन्ग प्रेस करके क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक नीचे में तीन डॉट वाला जो साइन है मोर, उसमें हम क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंक्रिप्ट, इंक्रिप्ट लॉक का साइन है, उसमें हम क्लिक करेंगे। इंक्रिप्ट वाले क्लिक करने के बाद जो है ये आपको पूछेगा पासवर्ड, तो इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपका पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड आपको याद रखना है, अगर आपको बाद में डिक्रिप्ट करना है, फाइल को वापस लाना है, तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया ABCD, सेम पासवर्ड में कंफर्मेशन में डालना है ABCD। इसे डालने के बाद मैं ओके में क्लिक कर दूँगा। अब मेरे जितने भी फाइल्स हैं वो सारे चीज़ जो हैं इंक्रिप्ट हो गए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है प्रोग्रेस हो रहा है, अभी जो मेरा फाइल है जो इंक्रिप्ट हो चुका है। अब आप इस फोल्डर को खोल के देखिए, आप देख सकते हैं कि सारे फाइल जो है लॉक हो गया है। अब इस कोई भी फाइल जो है कोई भी देख नहीं सकता है, ना ही ओपन कर सकता है, ना ही ये फाइल से सिस्टम में ओपन होने वाला है, ना किसी कंप्यूटर में ओपन होने वाला है, ना कहीं भी ओपन होगा। उस फाइल को ओपन करने के लिए इसी ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी बिना पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा। तो ये सबसे सेफ तरीका है जिससे कि हम अपने फाइल को जो है लॉक कर सकते हैं, इंक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर दे सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे वापस कैसे लाएँ ये बता देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए आपको फिर इस फोल्डर में लॉन्ग प्रेस करना है, ES फाइल फोल्डर में जाकर फिर मोड में क्लिक करना है, और आपको ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है इंक्रिप्ट के ऊपर वाला डिक्रिप्ट, इसमें जो की का जो साइन लॉग किया हुआ है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इससे जो है ये फाइल जो हमारा है डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से पासवर्ड पूछेगा, तो जो आप पासवर्ड आपने डाला था फिर से डालेंगे। तो आप, मैंने इसे टाइप किया ABCD और मैं ओके में क्लिक कर दूँगा। अब ये जो है हमारा जो पूरा फाइल है वापस पहले जैसे आ जाएगा, वापस आप देख सकते हैं कि कैसे वापस आ गया। वापस हम फोल्डर में जाकर देखते हैं तो हमारा पूरा फाइल वापस आ चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने फाइल को जो है सेफ्टी दे सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं, इंक्रिप्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कीप करें लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।